तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फेसबुक अकाउंट को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। और गाइस इसके ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट भी डाला हुआ है, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर उस पोस्ट को चेक कर सकते हो। तो गाइस इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर गाइस आप क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हो assistdivide.in, ठीक है। आपको ये लिख कर सर्च करना है, जैसे आप ये लिख कर सर्च करते हो तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। और गाइस आगे वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको कैसे परमानेंटली डिलीट करना है फेसबुक के अकाउंट को। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर आ जाते हो तो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा फेसबुक अकाउंट डिलीट कैसे करें। और यहाँ पर गाइस जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आपको फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने इमेज भी दी हुई है, तो आप इमेज के द्वारा भी यहाँ पर समझ सकोगे कि कहाँ कहाँ पर आपको जाना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको डिलीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट को। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की साइड राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा 3 लाइन, तो आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ऊपर की साइड यहाँ पर सेटिंग आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो इस तरह के पेज पर आओगे, तो यहाँ पर आपको अकाउंट के नीचे पर्सनल एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो इस तरह के पेज पर आप आओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, तो पहला ऑप्शन है डीएक्टिवेट अकाउंट। तो गाइस अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट को कुछ दिनों के लिए ही डिलीट करना चाहते हो, यानी टेम्पररी, ठीक है, तो आप इस वाले को सिलेक्ट कर लेना और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और गाइस यदि आपको अपने अकाउंट को परमानेंटली हटाना है, यानी हमेशा के लिए हटाना है, तो आपको यहां पर नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेना है डिलीट अकाउंट को, ठीक है। तो यहां पर नीचे वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक करोगे तो यहां पर गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा। यहां पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप यहां पर थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड योर इंफॉर्मेशन। जैसे गाइस आप यहां पर डाउनलोड इंफो पर क्लिक करते हो तो यहां पर गाइस आपको जितने भी जो पोस्ट वगैरह आपने फेसबुक पर डाले हुए थे और जितनी भी आपकी फोटोज थी फेसबुक पर, तो वो सारी यहां पर डाउनलोड हो जाएंगी। तो यहां पर गाइस अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको दिखाई देगा डिलीट अकाउंट। तो यहां पर आपको क्लिक करना है डिलीट अकाउंट पर। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां पर गाइस कुछ इस तरह का पेज खुलेगा आपके सामने। तो यहां पर गाइस आपको लॉगिन पासवर्ड डालना है, यहां पर जो आप अपने फेसबुक में लॉगिन करते समय जो पासवर्ड आप डालते हो वही पासवर्ड आपको यहां पर डाल देना है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं और यहां पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर गाइस आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आएगा, तो यहां पर आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप यहां पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन गाइस आपको अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन नहीं करना है 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 30 दिन तक आपको लॉगिन नहीं करना है और उसके बाद गाइस आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा 30 दिन के बाद, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अगर आप लॉगिन करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो दोबारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गाइस आपको 30 दिन तक लॉगिन नहीं करना है अकाउंट को। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में।